यादृच्छिक चर या फिर रैंडम वेरिएबल। तो अब हम रैंडम वेरिएबल इस नाम का उपयोग करेंगे। काफी आसान होगा चीजों को समझना इससे कि यदि किसी चर का मान पूर्णतः संयोग पर निर्भर है तो उसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं या यादृच्छिक चर कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग के परिणाम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं। इन मानों के संबंध में हम पहले से कुछ कह नहीं सकते, और यादृच्छिक चर जो होता है यह वास्तविक संख्याएं होती है। अगर उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण यदि हम उदाहरण समझना चाहें कि दो सिक्कों के एक युग्म को उछालने पर हमें या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, तो हम हेड की जो संख्या है उसको चर एक्स से दर्शाएं। तो एक्स द्वारा ग्रहण किए जाने वाला जो मान है या शीर्षों की संख्या जो है उसके संबंध में हम पहले से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम यह कह सकते हैं कि यहाँ जो यादृच्छिक चर है, रैंडम वेरिएबल है एक्स है, वह तीन मान ग्रहण कर सकता है, या तो शून्य होगा, या तो एक होगा, या तो दो होगा। देखिए क्या बोला गया कि दो सिक्के को टॉस करना है ना, तो हेड आ सकता है, पहले बात हेड नहीं आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। एक सिक्के में हेड आ सकता है तो वो एक हो जाएगा। दोनों के दोनों सिक्के में हेड आ जाएगा तो ये दो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है ये तीन वैल्यू ऑप्ट कर सकता है, 0, 1 और 2। तो एक्स का जो मान है पूर्ण रूप से संयोग पर आधारित होता है, इसलिए हम एक्स को रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर कहते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं इसको कि दो सिक्के के एक युग्म को हम उछालते हैं, दो सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं, और उसके लिए हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो हम इस लिखेंगे एस इज इक्वल टू, जैसे सेट नोटेशन हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, एच एच टी टी एच टी और टी एच। एच एच का मतलब है दोनों सिक्कों को उछालने पर पहले और दूसरे सिक्कों में हेड आ रहा है, टी टी का मतलब है पहले सिक्के में भी टेल और दूसरे सिक्के में भी टेल, एच टी का मतलब है पहले सिक्के में हेड दूसरे सिक्के में टेल, और टी एच का मतलब है पहले सिक्के में टेल आ रहा दूसरे में हेड आ रहा है। तो अगर हम इसकी कार्डिनालिटी लिखें एन ऑफ एस, तो ये हमें मिल जाएगा 4, क्योंकि 4 अवयव है। प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या यदि शीर्षों की संख्या चर एक्स से निरूपित की जाए तो एक्स मानो 0, 1, इन तीन मानों को ग्रहण करने वाला एक रैंडम वेरिएबल है या यादृच्छिक चर है। तो इस यादृच्छिक प्रयोग को या रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम एक रैंडम वेरिएबल एक्स लेते हैं और एक कॉलम लेते हैं प्रतिदर्श बिंदु सैंपल पॉइंट, और प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या एक तीसरा कॉलम लेते हैं। तो हेड आने की या हेड आना जो है उसे हमने एक्स के साथ एसोसिएट किया है रैंडम वेरिएबल एक्स के साथ में। तो अगर हम उसको 0 लिखें तो उसके रिस्पेक्ट में जो सैंपल पॉइंट होगा, प्रतिदर्श बिंदु होगा, वो क्या होगा? टेल टेल होगा, क्योंकि हमने कहा है कि हेड आएगा तो वो हमारे लिए एक्स है। तो यहां पर प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या क्या है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। वहीं पर यदि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है, मतलब एक हेड आने वाली स्थितियां कौन कौन सी होगी, एक एक ऑर्डर्ड पेयर होगा हेड टेल और दूसरा होगा टेल हेड। तो यहां पर कुल 2 प्रतिदर्श बिंदु हैं, 2 सैंपल पॉइंट है। और अगर हम बात करते हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो ये एक ही स्थिति होगी हेड हेड, जब हमें दोनों सिक्कों पर हेड मिलेगा। तो इस तरीके से इस प्रतिदर्श बिंदु की संख्या क्या है? 1। तो अगर हम सभी प्रतिदर्श बिंदुओं का योग निकालते हैं तो ये हमें मिलता है 4, जो कि सैंपल स्पेस के एलिमेंट के इक्वल है, काउंट के इक्वल है। तो इस तरीके से हम यादृच्छिक चर या रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है, यादृच्छिक चर जो है, यह एक फलन है, यह एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन का मान हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। तो डोमेन जो होगा ये सैंपल स्पेस होगा। ऑब्वियस सी बात है कि डोमेन
कि जो एलिमेंट है वो सैंपल स्पेस से आ रहे हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, जो रैंडम फंक्शन रैंडम वेरिएबल एक्स है उसके लिए, और इसका जो कोडोमेन है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, ऋणेतर पूर्णांक संख्या होगी। तो इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यादृच्छिक चर एक वास्तविक मान फलन है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि है सैंपल स्पेस, तथा सहप्रांत कोडोमेन जो है वो ऋणेतर पूर्णांक संख्या का समुच्चय है। यादृच्छिक चर के प्रकार, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो जो रैंडम वेरिएबल होते हैं उसे दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है विविक्त यादृच्छिक चर या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दूसरा है संतत यादृच्छिक चर या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहले हम बात करते हैं विविक्त यादृच्छिक चर की या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। यदि यादृच्छिक चर एक्स परिमित संख्या में या गणनीय अनंत संख्या में मान ग्रहण करे तो एक्स को विविक्त यादृच्छिक चर कहते हैं। सिंपल सा मतलब है, एक्स की अगर कोई वैल्यू है जिसे आप काउंट कर सकते हो जो कि फाइनाइट है, तो उस तरीके का जो चर है वह विविक्त यादृच्छिक चर कहलाएगा। यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स के मान को सामान्यतः एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन परिमित स्थिति में और x1, x2, x3 ये डॉट 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 लगा करके हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, यह गणनीय अनंत स्थिति में लेते हैं। तो x1, x2 अप टू xn अगर लिखा गया है तो सामान्यतः परिमित स्थिति है जिस फाइनाइट सिचुएशन है, और काउंटेबल इनफाइनाइट है तो उसको हम डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, x1, x2 अप डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उदाहरण के लिए देखते हैं कि तीन सिक्के को एक साथ अगर हम उछालते हैं तो प्राप्त शीर्षों की जो संख्या है यह विविक्त यादृच्छिक चर है, फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं। तो इसमें अगर इसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिखें तो कुल आठ अवयव होंगे क्योंकि तीन सिक्के हैं, दो का घात तीन बराबर आठ, पावर सेट हमने देखा था समुच्चय सिद्धांत में। तो इस तरीके से इसमें आठ अवयव मिलेंगे, और वो कौन कौन से होंगे, एस इक्वल टू ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है ना यहाँ पर, एच 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 टी 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 एच एच टी टी एच एच टी एच एच टी टी एच और एच टी टी और टी एच टी। तो इस तरीके से कार्डिनालिटी ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस इज इक्वल टू टू का पावर थ्री, दैट इज इक्वल टू एट। यदि शीर्षों की संख्या कैपिटल एक्स से दर्शाएं तो एक्स मानो शून्य एक दो तीन, इसको यह ग्रहण करने वाला एक विविक्त यादृच्छिक चर है। फिर से इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यादृच्छिक चर एक कॉलम होगा, दूसरा प्रतिदर्श बिंदु या सैंपल पॉइंट, और तीसरा प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या, सैंपल पॉइंट का काउंट। यादृच्छिक चर की जो वैल्यू है वह हम जीरो लेंगे। ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है यह क्या शीर्ष आने की स्थिति है, तो अगर शून्य आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिदर्श बिंदु में केवल एक ही बिंदु होगा जो कि है टी टी टी। तो इस प्रकार इसके इससे संगत प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या एक है। और जब यादृच्छिक चर एक्स का मान एक होगा तो इसका मतलब क्या कि एक हेड आना चाहिए। अब एक हेड आने वाली कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, एच टी 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 एच और टी एच टी, ये तीन स्थितियां हैं। तो ये प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या जो होगी ये तीन हो जाएंगी। यादृच्छिक चर x का मान दो अगर है तो इसका मतलब क्या कि दो हेड होने चाहिए। तो इसके लिए ऑर्डर ट्रिपलेट क्या बनेगा, हेड हेड टेल और टेल हेड हेड और हेड टेल हेड, इस तरीके से प्रतिदर्श बिंदुओं की जो संख्या होगी ये तीन होगी। अब बात करते हैं कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू अगर तीन है तो इसका मतलब क्या कि तीन हेड आने चाहिए तीन सिक्कों को टॉस करने पर, तो ये एक ही स्थिति होगी हेड हेड हेड। तो इस प्रकार प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या जो होगी वो एक होगी। अब सभी प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या को अगर हम योग करते हैं तो आपको मिल जाता है आठ। तो इस तरीके से कार्डिनालिटी ऑफ एस इज इक्वल टू एट, ऊपर में जो हमें मिला था वो इस तरीके से क्रॉस टैली हो जा रहा है।
अब बात करते हैं संतत यादृच्छिक चर की या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। यदि किसी दिए गए अंतराल में यादृच्छिक चर x प्रत्येक मान को ग्रहण करे तो x को संतत यादृच्छिक चर कहते हैं। अर्थात यदि कोई चर x किसी बंद अंतराल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी में अनंत मान ग्रहण करता है तो वह संतत यादृच्छिक चर है तथा इन बंटनों को संतत बंटन कहते हैं। उदाहरण के लिए y इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, यह एक संतत बंटन है क्योंकि अंतराल क्लोज इंटरवल 0 to π इसके मध्य में x कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पर यह पहुंच सकते हैं कि एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। उदाहरण के लिए एक सिक्के को अगर हम 2 बार लगातार क्रम से उछालने पर हमें जो सैंपल स्पेस मिलेगा वो होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यदि एक्स प्राप्त शीर्षों की संख्या को निरूपित करता है तो एक्स एक यादृच्छिक चर है और प्रत्येक परिणाम का जो मान है वो कुछ इस प्रकार होगा। एक्स ऑफ एच एच, इसमें 2 हेड हैं, एक्स ऑफ एच टी दैट इज इक्वल टू 1, एक्स ऑफ टी एच दैट इज इक्वल टू 1 और एक्स ऑफ टी टी दैट इज इक्वल टू 0। एक ही प्रतिदर्श समष्टि एस पर एक से अधिक यादृच्छिक चर हम परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वाई। वाई सैंपल स्पेस एस के प्रत्येक परिणाम के लिए शीर्षों अर्थात हेड की संख्या से पुच्छों या टेल की संख्या के अंतर को व्यक्त करता है। तो इसे हम लिखेंगे y ऑफ एच एच, हेड जितना काउंट आ रहा है उसमें टेल जो काउंट आ रहा है उसको घटाना है। तो यहां पर तो 2 हेड है और टेल 0 है तो 2 ऋण 0 = 2। और y ऑफ एच टी, इसमें बराबर हो जाएगा, एक हेड आया और एक टेल आया तो 1 - 1 दैट इज 0। अब y ऑफ टी एच, तो इसमें भी एक हेड है माइनस एक टेल है तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। और अब वाई ऑफ अगर टी टी लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा, हेड की संख्या क्या है 0 और टेल की संख्या क्या है 2, तो 0 - 2 तो ये -2 हमें मिल जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही प्रतिदर्श समष्टि पर हम एक से अधिक यादृच्छिक चर या रैंडम वेरिएबल को हम परिभाषित या फिर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि प्रतिदर्श समष्टि एस पर एक्स और वाई दो भिन्न भिन्न यादृच्छिक चर हमने परिभाषित किया था। एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो यादृच्छिक चर के सभी मानों तथा उनके संगत प्रायिकताओं को दर्शाने वाला बंटन एक प्रायिकता बंटन कहलाता है। सरल शब्दों में ये कहूं तो आपको एक टेबल बनाना है, टेबल में हम रैंडम वेरिएबल को लिखेंगे और रैंडम वेरिएबल की हम प्रायिकता लिखेंगे। तो इस तरीके से एक टेबल बनेगा, इसी को हम प्रायिकता बंटन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। माना यादृच्छिक चर x के विभिन्न मानों x1, x2, x3 अप टू xn के संगत प्रायिकताएं क्रमशः p1, p2, p3 अप टू pn है। तो प्रायिकता बंटन में दो स्थितियां होंगी या दो नियम हमें मिल जाएंगे यहाँ पर। पहला ये कि प्रत्येक प्रायिकता ऐसी ऋणोत्तर संख्या होती है जो एक से बड़ी ना हो। अर्थात प्रायिकता में जो हमें संख्या मिलने वाली है वो नॉन निगेटिव होगी और उसका मान 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती और घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। तो इसे हम लिखेंगे कि 0 < p i < 1 वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। पी आई, आई का जो मान है एक से लेकर के एन तक का हो सकता है और जो p1, p2, p3 अप टू pn जो मिलेगा उन सब का मान 0 और 1 के बीच में ही होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और उसके बीच की संख्या ही होगी, इसके बाहर की संख्या नहीं होगी। दूसरा यह है कि सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वह 1 होता है। अर्थात p1, p2, p3 अप टू pn सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। और इसे अगर हम शॉर्ट नोटेशन में लिखना चाहें तो लिखेंगे समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n p i = 1।
तो अगर इसे परिभाषित करना हो यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन को, तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि किसी यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन संख्याओं की निम्नलिखित निकाय होती है। वो कैसे निकाय होते हैं? कुछ इस तरीके से, देखिए दो रो बनेंगे जिसमें हम x लिखेंगे और दूसरे में p ऑफ x लिखेंगे, और कैपिटल x जो है वो वैल्यू ले सकता है x1 x2 अप टू xn। तो उसी के संगत p ऑफ x1 जो होगा उसको हम कैपिटल p1 लिखेंगे, p ऑफ x2 होगा उसको p2 लिखेंगे, और इसी तरीके से p ऑफ xn जो होगा उसको pn लिखेंगे। यहां पर पी आई इस जो होगा जो पी आई होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n पी आई इज इक्वल टू 1 होगा। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो हेड या शीर्ष की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि एक सिक्का अगर हम 3 बार उछालते हैं तो कुल 8 सैंपल पॉइंट्स होंगे, 2 का पावर 3। अब ये क्या क्या होगा आप सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिख सकते हैं। तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट ना लिख करके हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम 4 कॉलम लिखेंगे, और मैं लिख रहा हूं कि एक्स जो है वह एक रैंडम वेरिएबल है जो कि हेड आने को प्रदर्शित करता है। तो हम एक कॉलम बनाते हैं एक्स जिसमें 0 1 2 3। अब 3 सिक्के फेंक रहे हैं तो अधिकतम 3 हेड हमको मिल जाएंगे, न्यूनतम 0 0 1 2 और 3, तो इस तरीके से होगा। अब हम एक्स की वैल्यू अगर 0 है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है, तो उसके लिए हम सैंपल पॉइंट देखते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा टेल टेल टेल, और इसके संगत मतलब इसकी संख्या कितनी है? 1। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अगला एक कॉलम बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स क्या है? टोटल कितने अवयव हैं? 8, 8 अवयव हैं, तो उसमें से ये एक है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/8। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 3 सिक्के को टॉस करने पर हमें एक हेड मिलना चाहिए, तो इसके लिए 3 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा HTT, THT और TTH। तो इन तीनों ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में आप देख पा रहे हैं कि केवल और केवल एक हेड है। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट होंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी अर्थात पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 3/8। इसी तरीके से अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या कि सिक्के को उछालने पर 2 बार हेड आना चाहिए, तो इसके लिए हमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लिखते हैं सैंपल स्पेस से HHT, HTH और THH, ये 3 अवयव हो जाएंगे, और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/8। ये 3 अवयव हो गए, और कुल संभव जो पॉसिबिलिटी है या ऑर्डर्ड पेयर जो था या सैंपल स्पेस का एलिमेंट है वो 8 है। अब हम x की वैल्यू अगर 3 लेकर के चलते हैं, इसका मतलब क्या कि हेड कितनी बार आ सकता है? 3 बार आ सकता है, तो ये केवल एक ही ऐसी स्थिति है हेड हेड हेड, ये एक ऑर्डर ट्रिपलेट होगा, और इस सैंपल पॉइंट का काउंट है 1, तो इसके घटने की प्रायिकता हो जाएगी 1/8। तो इस तरीके से ये प्रश्न को हमने सरल किया जहां पर हमने एक सिक्के को 3 बार उछालने पर जो प्रायिकता आ रही है उसका हमने बंटन सारणी तैयार किया। अब दूसरा प्रश्न लेकर के चलते हैं, यहां पर लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन सी एक यादृच्छिक चर के लिए संभव है और कौन सी संभव नहीं है, कारण भी स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी हमने 2 नियम पढ़े थे, पहली बात ये कि पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी, मतलब क्लोज इंटरवल 0 to 1 का ये एलिमेंट होगा। अब दूसरी बात ये कि सभी प्रायिकताओं का योग जो होगा वो 1 होना चाहिए, ठीक है? ये 2 कंडीशंस को हम चेक करेंगे दिए गए प्रश्नों में। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं जिसमें एक टेबल है और एक्स की वैल्यू 0 1 2 और उसके संगत पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/3 1/3 और 1/3। तो हम इसके संगत जो प्रायिकता है इसका योग लिख लेते हैं पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 का। तो 1/3 + 1/3 + 1/3
एलसीएम आएगा 3 और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। और यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स है, ये कोई भी मान शून्य और एक से बाहर नहीं है, मतलब क्लोज इंटरवल 0-1 को बिलोंग करता है, तो इसलिए यह प्रायिकता बंटन संभव है। दूसरा बंटन देखते हैं, एक्स की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और उसके संगत पी ऑफ एक्स की वैल्यू है 0.4, 0.5, 0.2 और -0.1। तो यहां पर आप एक ही चीज को देख करके इसको निगलेक्ट कर सकते हो, वो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये -0.1 है। और थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकती है। और दूसरे तरीके से अगर आप इस सभी प्रायिकताओं का योग करें, 0.4, 0.5, 0.2 और -0.1, तो उसका योग तो एक आ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स जो है, या पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ये निगेटिव नंबर है जो कि संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि उक्त प्रायिकता बंटन के लिए यादृच्छिक चर एक्स संभव नहीं है। तीसरा प्रश्न लेकर के चलते हैं, तो सेम एक और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। रैंडम वेरिएबल है यहाँ पर वाई, जिसकी वैल्यू है 3, 2, 1, 0 और -1। तो उसके संगत जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5, 3 के संगत, 2 के संगत 0.2, 1 के संगत 0.1 और 0 के संगत 0.2 और -1 के संगत 0.6। तो जो प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0.2, 0.1, 0.2 और अगेन 0.6, यह मान तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसका योग करते हैं तो पी ऑफ वाई जो है, या पी ऑफ 3, पी ऑफ 2, पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 और पी ऑफ -1, इन सब को जोड़ने पर आपको मिल जाता है 1.6। और 1.6 जो कि 1 से बड़ा है, तो इस स्थिति में भी हम यह कह सकते हैं कि यह जो प्रायिकता बंटन है यादृच्छिक चर वाई, यह संभव नहीं है। तो प्रश्न दिया गया है कि एक यादृच्छिक चर एक्स के संगत प्रायिकता बंटन निम्नानुसार है। दो रो बना हुआ है, एक है एक्स और दूसरा है पी ऑफ एक्स। तो एक्स का मान जब शून्य है तो पी ऑफ एक्स का मान के है, इसी तरीके से एक्स का मान 1 तब पी ऑफ एक्स का मान 2 के, एक्स का मान 2 तब पी ऑफ एक्स का मान 0, जब एक्स का मान 3 है तब के का मान, पी ऑफ एक्स का मान के स्क्वायर है। और इस प्रकार ये प्रश्न दिया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वह ये कि के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि सभी बारंबारताओं का जो योग है वह 1 आता है, तो इसका मतलब है ये कि सिग्मा पी ऑफ आई इज इक्वल टू 1। ये हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। तो पहला मान जो है ये के है, दूसरा मान के टू है, तीसरा मान है 0, चौथा मान है के स्क्वायर, पाँचवा मान है 2 के स्क्वायर, पाँचवा उसका अगला मान है के स्क्वायर और फिर ये 0। सबको जोड़ने पर 1 मिलेगा। देखिए 2, 3 और ये 4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 के स्क्वायर। अब ये 2 के और ये 3 के और ये है 3 के और ये -1 इक्वल टू 0। तो के में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसको हम स्प्लिटिंग बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 के माइनस के, तो ये 4 आ रहा है -4 और ये -1 इक्वल टू 0। दोनों से आप 4 के कॉमन लेंगे, मिल जाएगा k+1 और ये -1, अगेन k+1 इक्वल टू 0, दोनों से कॉमन लेंगे k+1 और ये 4k+1 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा k इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करने पर और इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा k इक्वल टू -1/4। तो ये इसमें से देखिए कि यहाँ पर तो यहाँ से आप k+1 कॉमन लेंगे, ये
तो 4k-1 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू -1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 1/4 होगा। तो k का मान जो है वह ऋणात्मक संभव नहीं है, तो इसलिए k का जो मान 1/4 आया है यह मान सत्य होगा, क्योंकि जो प्रायिकता होती है वो ऋणात्मक संभव नहीं है, शून्य से एक के बीच में ही कोई एक मान होता है। प्रश्न का दूसरा भाग यह कहता है कि यह मान ज्ञात करना है p ऑफ k इज लेस देन 3। तो इस केस में आपको ज्ञात करना है p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2। k का मान कहाँ तक होना चाहिए? 3 से छोटा होना चाहिए, तो 0, 1 और 2। और 0, 1, 2 की जो संगत मान है वो रख दीजिए, p ऑफ 0 जो मिला था ये आपको k मिला है, p ऑफ 1 आपको मिला है 2k और p ऑफ 2 आपको मिला है 0। सो दिस इज नथिंग बट 3k, और k का मान आपको यहाँ से 1/4 मिला है, तो 3 × 1/4 सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 3/4, ये एक मान हो गया। अब इसमें अगला प्रश्न है p ऑफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन 6। देखिए शून्य को और 6 को इसमें नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या कि p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5, इन मानों को आप रखेंगे। तो p ऑफ 1 जो है ये आपको मिल गया है 2k, p ऑफ 2 मिला है आपको 0, p ऑफ 3 मिला है k स्क्वायर, p ऑफ 4 मिला है 2k स्क्वायर और p ऑफ 5 मिला है k स्क्वायर। तो 2, 2, 3, 4, दिस इज 4k स्क्वायर प्लस 2k मान रख दीजिए, ये 4k का स्क्वायर का मतलब है 1/16 और प्लस 2 × 1/4, 4 × 16 हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1/4, 2/4, सरल करेंगे मिल जाएगा 3/4। अब यहीं पर अगर ये इक्वल टू का साइन अप्लाई कर देता है तो आपको p ऑफ 0 से लेकर के p ऑफ 6 तक के, अगर ये p ऑफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6 ये वैल्यू अगर पुट करनी होगी तो यहाँ पर आपको मान p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 अप टू p ऑफ 6 ये कैलकुलेट करना होगा। प्रश्न दिया गया है कि एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता पुच्छ आने की प्रायिकता का 3 गुना है, इसे 2 बार उछाला जाता है तब शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहली बात यह कि जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं कि एक सिक्के के उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता, मान लेते हैं कि ये p ऑफ h है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, पुच आने की प्रायिकता मतलब टेल, पुच आने की प्रायिकता pt से 3 गुना है। इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो इसको अगर मैं इसको p से रिप्लेस कर दूं और इसको q से रिप्लेस कर दूं तो ये समीकरण कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और आपको पता है कि दोनों प्रायिकताओं का योगफल 1 होगा, और p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों का योग भी 1 होगा। सो p प्लस q इज इक्वल टू 1। सो p का मान क्या है? 3q, यहाँ से पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 3q प्लस q इक्वल टू 1, सॉल्व करने पर मिल जाएगा 4q इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 1/4। q का मान आपको 1/4 यहाँ से मिल गया। पहला समीकरण मान लेते हैं कि ये दूसरा समीकरण है, q का मान मिल गया है तो अब p का मान मिल जाएगा 3 × q, दिस इज 3 × 1/4। सो p का मान आपको मिल गया 3/4, p का मान मिल गया है, q का मान मिल गया है। अब चूंकि सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, चूंकि
सिक्कों को दो बार उछाला जाता है, अतः n इक्वल टू 2 हो जाएगा। प्रायिकता बंटन जो है, थोड़ी देर पहले हमने जो सिद्धांत पढ़ा है उसके अनुसार क्या होगा, q प्लस पी इसका पावर n, मतलब 3/4 प्लस 1/4 होल पावर 2। और इसमें यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर जो x है, यह 0, 1, 2 अधिकतम मान n है, तो यहाँ पर 0, 1, 2 यह मान यह ग्रहण कर सकता है। तो इसके लिए हम प्रायिकता बंटन तैयार करेंगे। जब x का मान 0 है तब p ऑफ x ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वो NCR जो हम फार्मूला लगाते हैं कोफिशेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, कि p प्लस q प्लस p होल पावर n में प्रायिकता बंटन में x इक्वल टू r के संगत प्रायिकता अगर हमको निकालनी हो तो हम क्या लिखते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू r, ये होता है NCR q का पावर n माइनस r और p का पावर r। हाँ अर्जेंट है क्या कुछ? हाँ, बोलो। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 5 मिनट फोन करता हूँ। इसके उपयोग से हम इसको सरल करेंगे तो एन सी आर, एन का मतलब है यहाँ पे 2CR दैट इज 0, तो हो जाएगा 2C0 क्यू का पावर 2 माइनस 0। सो क्यू का पावर 2 माइनस 0 और पी का पावर 0, तो ये हो जाएगा 2C0 1/2 का जो पावर है, क्यू का मान है यहाँ पर 1/4 है, ये क्यू का मान है, तो 1/4 इसका पावर 2 हो जाएगा और पी का पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो 3/4 का पावर 0 ये आपको मिल जाएगा 1 और ये मिल जाएगा 1/16, तो अल्टीमेटली ये आपको मिल रहा है 1/16। तो इसमें हमें दूसरा मान ज्ञात करना है पी एक्स इक्वल टू 1 के लिए, तो जो फार्मूला है NCR क्यू का पावर n माइनस r पी का पावर r उसका उपयोग करेंगे, तो ये मिल जाएगा 2C1 क्यू का पावर 2 माइनस 1 और पी का पावर 1, तो ये हो जाएगा 2/1 क्यू, क्यू की जो वैल्यू आपको मिल गई है 1/4, तो ये तो 1 रहेगा और पी का पावर 1, तो पी का पावर मतलब 3/4, तो मिल जाएगा 6/16। इसी तरीके से हमें तीसरा मान याद करना है एक्स इक्वल टू 2 के लिए, तो ये हो जाएगा 2C2 क्यू का पावर 2 माइनस 2 और पी का पावर 2, सो 2C2 दैट विल बी इक्वल टू 1 और ये भी आपको 1 मिल जाएगा, पी का पावर 2 का मतलब है 3/4 का पावर 2, ये आपको मिल जाएगा 9/16। तो इस तरीके से हम एक चार्ट बना सकते हैं जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, एक्स का मान जब 0 है तब ये आपको मिला है 1/16, जब एक्स का मान 1 है तो आपको मिला है 6/16 और जब एक्स का मान 2 है तब आपको मिला है 9/16। तो 9 और 6 और 1 जोड़ेंगे मिल जाएगा 16, 16 और 16/16 मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से ये जो प्रायिकता बंटन सारणी जो ज्ञात करने के लिए कहा गया था ये हमारा उत्तर है। तो प्रश्न दिया गया है कि बैग ए में 2 सफ़ेद और 3 लाल गेंदे और बैग बी में 4 सफ़ेद और 5 लाल गेंदे हैं, इन बैगों में से एक गेंद चुनी जानी है तो वह लाल पाई जाती है, बैग बी से निकाली एक गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बेज का जो प्रमेय है उसका उपयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बैग की बात की गई है कि बैग ए है, इसमें 2 वाइट है और रेड की बात की जाए तो 3 रेड है,
इसी तरीके से बैग बी है, इसमें चार वाइट बॉल है और पांच रेड बॉल हैं। तो बैग बी से निकली गेंद रेड होगी, या इनमें से गेंद चुनी जाती है वह लाल है और वह बी बैग से ली गई है, ये हमें ज्ञात करना है इसकी प्रायिकता। तो इसके लिए हम कुछ अनोटेशन यूज़ करते हैं कि माना E1 जो है यह बैग ए से चुने जाने की घटना है और E2 जो है यह बैग बी से चुने जाने की घटना है। और इसमें हम देखते हैं ई जो है यह लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता है। और हमको क्या चाहिए कि एक गेंद निकाली जाती है जो कि रेड हो और वो बी बैग से निकाला जाए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी ऑफ E2 अपॉन ई, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम बेज का जो सूत्र, बेज के प्रमेय का जो सूत्र है उसका हम उपयोग करेंगे। तो इसको अगर लिखा जाए सूत्र को, तो आप लिखेंगे पी ऑफ ई बाई E2 इंटू पी ऑफ E2, और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय यहाँ पर यूज होता है, E1 इंटू पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ ई बाई E2 इंटू पी ऑफ E2, ये हम प्रयोग करेंगे। तो ये पी ऑफ ई बाई टू, पी ऑफ E2, पी ऑफ E1, ये सब हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान करके चलते हैं कि ये हमारा सूत्र है जिसे हमने समीकरण एक नाम दे रखा है। तो बात करते हैं कि चूंकि दो बैग है अतः ए के चुने जाने की प्रायिकता ये होगी 1/2। दो बैग है, दो में से एक का सिलेक्शन किया जाएगा और वह ए होगा, ये आपको मिल जाएगा 1/2। इसी तरीके से बी के चुने जाने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो तो यह भी हो जाएगा 1/2, इक्वली लाइकली इवेंट है। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि बैग ए में, बैग ए में दो सफेद और तीन लाल गेंदे हैं, तो एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता को हम लिखेंगे पी ऑफ ई बाई E1। देखिए E क्या है, लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता, और E1 जो है वह बैग ए से चुने जाने की घटना है। तो इस प्रकार ये पहली बात है कि बैग ए में जो तीन लाल है उसमें से सिलेक्शन किया जा रहा है, या लाल गेंद, और वो कहाँ से होगा, बैग ए से होगा, ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितने बॉल हैं, 3 और 2 5, फेवरेबल सफ़ेद, फेवरेबल कौन सा होगा, लाल होगा, क्योंकि लाल गेंद पूछा गया, तो 3 इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से प्रश्नानुसार बैग बी में 4 सफेद व 5 लाल गेंदे हैं, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कहाँ से, दूसरे वाले बैग से, तो इसे हम लिखेंगे पी ऑफ ई बाई E2। 4 और 5 9, फेवरेबल केस कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 5/9। तो देखिए कि हमने यहाँ पर पी ऑफ ई बाई E1 ये कैलकुलेट कर लिया है, पी ऑफ ई बाई E2 कैलकुलेट कर लिया है,
अब पी ऑफ ई वन और पी ऑफ ई टू ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि ये आपका 1/2 और ये 1/2 आपको मिला है। अब क्या करते हैं, इन सभी मानों को इस समीकरण में या इस सूत्र में रख देते हैं तो आपको वह मान मिल जाएगा। तो चलिए यह मान मैं यहीं पर रख रहा हूँ, पी ऑफ ई बाई ई टू यह है आपका 5/9, और पी ऑफ ई टू ये जो पी ऑफ ई वन ये है, पी ऑफ ई टू ये है 1/2, और पी ऑफ ई बाई ई वन ये वाला मान, तो ये 3/5 और ये आपका 1/2, धन पी ऑफ ई बाई ई टू ये वाला मान 5/9 और ये 1/2। इसको सरल करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 5/18 हो जाएगा और ये 3/10 हो जाएगा और ये 5/18 हो जाएगा। तो इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी हो गया आपका 5/18। इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम होगा ये 180, 18 * 3 = 54 और ये 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5/18 और ये 180 जो है ये अंश में चला जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 94। तो ये 18 * 180 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 50 और ये मिल जाएगा 94। इसको 2 से भाग दे सकते हैं, 25 और ये 104, 18 * 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये 104। इसको भाग देंगे तो 25 और इसको भाग देंगे तो 52। तो हमें जो पूछा गया था पी ऑफ ई टू बाई ई, ये आपको मिल गया 25/52, यही जो उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। सैद्धांतिक बारंबारता बंटन या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, सिद्धांत के अनुसार कुछ पूर्व निर्धारित विधियां होती है, गणितीय विधियां, जिसका कि उपयोग करके हम बारंबारता बंटन तैयार करते हैं। तो इसे देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। हम लिखेंगे कि यदि बारंबारता बंटन प्रयोगों या वास्तविक आकलनों के आधार पर न होकर पूर्व से निर्धारित मान्यताओं के आधार पर गणितीय विधियों द्वारा प्राप्त होता है, तो ऐसी बारंबारता को हम सैद्धांतिक बारंबारता बंटन कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है बाइनोमियल या द्विपद बंटन, और तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रसामान्य बंटन। अब इसमें एक प्रकार का बर्नौली ट्रायल, ये एक वर्ड आता है, तो देखते हैं कि ये बर्नौली ट्रायल क्या होता है। बर्नौली ट्रायल या बर्नौली परख, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोगों के परिणामों को केवल 2 परस्पर अपवर्जी तथा निःशेषी घटनाओं या सफलता या असफलता के रूप में ही दर्शाया जाए तो ऐसे प्रयोगों को बर्नौली परख कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हम सिक्कों को दो सिक्कों को हम टॉस करते हैं और हेड आने को यदि सफलता मानी जाती है और टेल आने को असफलता माना जाता है,
और उसके लिए यदि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो इस प्रकार का जो ट्रायल है इसे हम बर्नौली ट्रायल कहते हैं। अब बात करते हैं द्विपद बंटन की या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एक ट्रायल में सफलता की प्रायिकता अगर पी है तो असफलता की प्रायिकता क्यू होगी। अगर हम ऐसा मान के चलें तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी। और यदि परखों की संख्या या ट्रायल की जो संख्या है वह एन है तो क्रमशः 0, 1, 2, 3 इस तरीके से एन सफलताओं की जो प्रायिकता होगी उसे हम लिखेंगे क्यू प्लस पी होल पावर एन के द्विपद प्रसार के क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय और अप टू एन प्लस वन वे पद से दी जाती है। तो इसमें कुछ मान्यताएं हैं। तो मान्यता में पहली मान्यता ये कि कोई ट्रायल या कोई परख या तो घटना की सफलता में या असफलता में परिमित होती है। दूसरा कि सभी परख परस्पर अपवर्जी व स्वतंत्र होते हैं। दोनों का जो जो इवेंट होगा वो म्यूचुअली दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा और दोनों का यूनियन जो होगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। तीसरी बात ये कि सफलता की प्रायिकता प्रत्येक परख में अचर होती है। तो जो सफलता की जो प्रायिकता हमें निकल करके सामने आती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हमेशा। तो एन परखों के यादृच्छिक प्रयोग को जो हमने अभी मान्यता डिस्कस करी है उसके आधार पर यदि किया जाता है जिससे सफलता की प्रायिकता अगर पी है और असफलता की प्रायिकता क्यू है तो जिससे हम लिख पाएंगे कि पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, क्योंकि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता दोनों का योगफल एक होता है। यहां हम एन परखों को या ट्रायल्स में हम असफलताओं की संख्या को 0, 1, 2, 3 अप टू एन यह हो सकती है एन तक हो सकती है और हमें आर सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आर अगर सफलता है तो शेष एन माइनस आर जो होगी ये असफलता हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम मिश्र प्रायिकता के सिद्धांत से यह लिख सकते हैं कि आर सफलताओं की प्रायिकता ये होगी पी का पावर आर और एन माइनस आर असफलताओं की प्रायिकता जो होगी ये होगी क्यू का पावर एन माइनस आर। तो आपने कॉम्बिनेशन संचय सिद्धांत पढ़ा हुआ है तो उसका कि हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। एन परखों में से या एन ट्रायल्स में से कोई आर सफलताएं तो ये होगी एन सी आर तरीके से प्राप्त की जा सकती है। और इसी प्रकार एन परखों में से किसी भी में आर सफलताओं तथा एन माइनस आर असफलताओं की प्रायिकता बंटन जो अगर हमें निकालनी होगी तो हम लिखेंगे एन सी आर पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एन सी आर क्यू का पावर एन माइनस आर और पी का पावर आर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद प्रमेय में आपने देखा था कि एक्स प्लस एक का पावर एन इसका जो जनरल टर्म होता है उसको हम लिखते हैं टी आर प्लस वन एथ टर्म दैट इज इक्वल टू एन सी आर एक्स का पावर एन माइनस आर और ए का पावर आर। तो ये उसी सिद्धांत से ये निकल करके सामने आता है। हमने यहाँ पर सफलता के लिए पी और असफलता के लिए क्यू ऐसी प्रायिकता निश्चित की है तो इसलिए हम उसको पी और क्यू के टर्म में लिख रहे हैं। तो इस प्रकार हम एक बारंबारता बंटन अगर तैयार करें तो दो कॉलम बनेंगे जिसमें आएगा एक में एक्स आई और दूसरे में पी आई। तो जब एक्स आई 0 होगा तो उसके लिए जो कोफिशियंट होगा जो गुणांक होगा वो क्यू का पावर एन होगा और जब एक्स आई की जो वैल्यू अगर वो 1 होगी तो हमारे लिए जो वहां पर कांस्टेंट या कोफिशियंट मिलेगा वो होगा एन सी 1 क्यू का पावर एन माइनस 1 और पी। इसी तरीके से अगर 2 के लिए हम देखें तो हमें मिल जाएगा एन सी 2 क्यू का पावर एन माइनस 2 और पी का पावर 2 और अंत में अगर एन ले तो पी का पावर एन हमें मिल जाएगा। तो यहां पर पी क्यू और एन द्विपद बंटन के जो प्राचल हैं ये जो दिख रहा है ये पी एन पी और क्यू जो है ये द्विपद बंटन के पैरामीटर कहलाते हैं क्योंकि इसी पर ये वैरी कर रहा है। और जो स्विस एक मैथमेटिशियन हुए थे जेम्स बर्नौली ये थ्योरी उन्होंने दी थी। प्रश्न दिया गया है कि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है कम से कम 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम शीर्ष आने की प्रायिकता को पी लेते हैं और शीर्ष ना आना मतलब टेल पुच्छ आने की जो प्रायिकता है उसे हम क्यू लेकर के चलते हैं। तो सरल करते हैं सिक्के में
सिक्के के उछाल में शीर्ष अर्थात हेड आने की जो प्रायिकता है ये होगा पी, और गेटिंग हेड और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की संख्या तो आपको मिल जाएगा 1/2। इसी तरीके से पुच या टेल आने की जो प्रायिकता है इसे हम लिखते हैं क्यू, एन ऑफ टी बाई एन ऑफ एस, ये भी आपको मिल जाएगा 1/2। चूंकि सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो इसलिए एन इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमें प्रायिकता बंटन निकालनी है। प्रायिकता बंटन तो क्यू प्लस पी होल पावर, यहाँ पर एन, तो क्यू दैट इज़ 1/2, पी दैट इज़ 1/2 होल पावर 5। अब हमें क्या बोला गया है कि कम से कम, कम से कम 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पी जो हमें कैलकुलेट करना है वो होगा ये, वो होगा ये और वो होगा ये। अब तीनों के जो गुणांक है वो हमें ज्ञात करने हैं और मान यहाँ पर रखना है। तो एन की वैल्यू है 5, जाएगा 5C3, क्यू का पावर 5-3, पी का पावर 3, प्लस 5C4, क्यू का पावर 5-4 और पी का पावर 4, 5C5, क्यू का पावर 5-5 और पी का पावर 5, ये हमें रखना है। तो ये हो जाएगा 5C2 कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से, और क्यू का पावर 2, क्यू मतलब 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर 3, ये हो जाएगा 5C1, क्यू का पावर 1 मतलब 1/2 का पावर 1 और 1/2 का पावर 4, 5C5 ये आपको मिल जाएगा, ये 5C0 के इक्वल हो जाएगा ये, और क्यू का पावर 0 दैट इज़ 1 और पी का पावर 5 है तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 5। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 1/2 का पावर यहाँ पर 3+2 5, 4+1 5 और यहाँ पर 5, तो 1/2 होल पावर 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 अपॉन 1 × 2, ये 5/1 और ये आपको मिल जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 होल पावर 5 और 5 × 2 = 10 और ये 5 × 15, तो यहाँ पर ये योग में आएगा और ये हो जाएगा 16, तो 16/32, 2 का घात 5 होता है 32, सरल करने पर मिल जाएगा 1/2, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।